राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के अजीत पवार गुट के शामिल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। बदलाव के बीच शुक्रवार को मुंबई में बीजेपी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस अहम बैठक में सभी विधायकों और विधान पार्षदों को शामिल होने को कहा गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद मानसून सत्र भी होना है। इसमें पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के विधायकों की भी बैठक हुई। इस बैठक के बाद शिंदे ने कहा था कि अजीत पवार के आने से सरकार और मजबूत हो गई है। अब गठबंधन में विधायकों की संख्या 200 से अधिक हो गई है, इसलिए अब सरकार और मजबूती के साथ काम करेगी। कैबिनेट विस्तार के दौरान बीजेपी और शिवसेना के उन नेताओं पर भी विचार करना होगा जो खुद को संभावितों की दौड़ में देख रहे थे। अजीत पवार गुट की एनसीपी के सरकार में शामिल होने पर उनकी आस धूमिल होती दिख रही है। खबर थी कि शिवसेना के कुछ विधायक पवार को सरकार में शामिल करने से नाराज भी हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी शिंदे को जाहिर भी कर दी है। कैबिनेट विस्तार को लेकर अजीत पवार अपने गुट के नेताओं के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 और विधायकों ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, अभी इस पर निर्णय होना है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को कोई बड़ा विभाग दिया जा सकता है। फिलहाल वित्त और गृह विभाग जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की एनसीपी के शामिल होने के बाद गुरुवार को दिल्ली में शरद पवार गुट की एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।